मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है, हम वहां पुनः वापसी कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन रहे हैं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और हमें उम्मीद है तेलंगाना के इतिहास में भाजपा को सबसे बड़ी विजय इस बार विधानसभा चुनाव मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, ये हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है कि वो अपने पार्टी के प्रत्याशी लड़ाए, अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, 2023 तो हम शानदार ढंग से जीत ही रहे हैं, 2024 तीसरी बार मोदी सरकार के लिए और भी जोरदार सफलता हमको मिलेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक हमारा मोदी अपना ये ठगबंधन पर, गठबंधन पर भारी है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी जो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, और जो कांग्रेस अखिलेश यादव जी के लिए कह रही है वो भी सही बात कह रही है। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग इसको देख भी रहे हैं। यह गठबंधन चूंकि स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए यह गठबंधन बहुत देर तक टिक पाएगा, चल पाएगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। 2024 जनता भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम कर चुकी है। जब चुनाव होंगे तब भाजपा का कमल खिलेगा और जिस प्रकार से देश विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है वो और आगे बढ़ेगा। नहीं, जबरदस्त तैयारी है। दीपोत्सव एक त्योहार की तरह हो गया है हमारी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, और भव्य तैयारी है। और इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम 11 तारीख को हम लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे और 22 जनवरी को रामलला श्री राम जन्मभूमि के उस स्थान पर 500 वर्ष बाद विराजमान होने जा रहे हैं, जहां 500 साल पहले उनको जब बैठे थे विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने उनको वहां से हटाया था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, तब आज रामलला वहां विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर के तैयार है, माता विंध्यवासिनी माता का धाम का भी विकास तीव्र गति से हो रहा है, तीर्थराज प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य, मथुरा वृंदावन, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है, वो हो भी रहा है।